अब तो बैठ जाएगी ना। ओए देखो दोस्तों, अब बैठ गई है। कितनी तेज होती हैं ये मुर्गियाँ। सारे अंडे इधर से उठा लिए हैं क्योंकि इधर मुर्गी नहीं बैठी थी। तो सजाद भाई ने अंडे दोस्तों माशाल्लाह इधर शिफ्ट कर दिए सारे, और मुर्गी फिलहाल इधर है क्योंकि इसको थोड़े से दाने डाले हुए हैं। दोस्तों आप जो ये अंडे आज मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये हैं डक्स के अंडे। जो हमारी ब्लैक वाली मुर्गी नहीं दोस्तों, वो कुड़क हो गई है। काफ़ी दिनों से मैंने उसको बेचारी को इंतज़ार पे बिठाया हुआ है कि कुड़क पक्का कर ले। तो मैंने आज यही सोचा है क्या सबसे पहले हम अपनी ना मुर्गी को ही बिठाएंगे अंडों पे कि उसका कुड़क ख़त्म ना हो जाए, वो अंडों से उठ ना जाए। तो सब ये हैं डक्स के अंडे दोस्तों। मुर्गियों के भी नीचे पड़े हुए हैं लेकिन डक्स के बच्चे नहीं अभी तक हमने निकलवाए। तो हम सबसे पहले ना दोस्तों आज उस मुर्गी को बिठाते हैं डक्स के अंडों पे। जो हमारी तीन मुर्गियाँ नहीं कुड़क हुई, एक को तो गोना फूल बहुत ज़्यादा मार रही है। सजाद भाई ने मुझे बताया कि उसको आँख से भी ज़ाया किया हुआ है गोना फूल ने मार मार के। और जो बड़ी वाली ब्राउन मुर्गी है उसका वजन बहुत ज़्यादा है, वो भी आपको दिखाते हैं। वो अंडों पे बैठती है और अंडे तोड़ देती है। ब्लैक वाली मुर्गी ठीक है दोस्तों, उसी को हम बिठाते हैं। सजाद को बुलाते हैं। सजाद भाई किधर हो आप? इधर आओ ना। बकरी ठीक है हमारी? सारी डक्स नहा के दोस्तों माशाल्लाह ये इधर भर दिए थे दोनों। उधर वो सजाद भाई ने तसला भर दिया था पानी वाला। तो सारी डक्स अल्हम्दुलिल्लाह नहा के दोस्तों कैसे धूप में अपने आप को खुश कर रही हैं। और धूप भी बड़ी मज़े की निकली हुई है। सूरज सारा ही आज माशाल्लाह ना निकला हुआ है और बस कुछ ही देर में गर्मी हो जाएगी। चलो अभी तो सुबह सुबह ठंडा ठंडा माहौल है और ये अपने आप को खुश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है? तो दोस्तों हमारी जो ये बकरी थी ना, ये हो गई थी बीमार। ठीक है, इसको मैंने इंजेक्शन लगाए हैं खुद ही। मैं स्टोर से लेके आया था, खाना पीना भी छोड़ गई थी। तो लेकिन आज ये अल्हम्दुलिल्लाह, रात तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि सुबह उठते ही मैं ना किसी डॉक्टर से रब्ता करूँगा, खुद ही तजर्बे कर रहा हूँ वो ना इसको कुछ हो जाए। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये सुबह हुई है, इंजेक्शन का इसको असर हुआ है और मैं आपको इंजेक्शन भी दिखाता हूँ। जब भाई इंजेक्शन उठा के लेके आना, अंडे एक दफ़ा उधर मुझे दे दो, अंडे मुझे दे दो ना, बिठाते हैं मुर्गी को और मुर्गी भी दिखाते हैं। ये तुमने खाने अंडे? ये देखो कैसे इसके ऊपर आ गई जा भाई। और ये जो दोस्तों दो इंजेक्शन थे, ये तीन तीन सीसी लगाने थे तीन टाइम, तो ये कोर्स मैंने पूरा कर दिया है। अच्छा दिखाओ ना जा भाई ये वाले। तो अब उसको खांसी होगी है, इसको ठीक हुई है। तो हमारी डायना को खांसी होगी है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इसकी खांसी भी ख़त्म हो गई है और खा पी भी रही है। और तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये ज़्यादा बीमार नहीं हुई। रात तो बहुत ज़्यादा सुस्त थी, पता नहीं इंजेक्शन का इसको पेन हो रही थी। मैंने ना अच्छी तरह मसला भी था इंजेक्शन लगा के, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो आप सबने दुआ करनी है कि हमारी बकरियों को कुछ ना हो। इस वाली मुर्गी को मार रहे हैं, है ना? ये तो वही है ना जिसको, ये देखो दोस्तों ये आंख इसकी बंद हुई पड़ी। रुक जाओ। ये देखो दोस्तों इधर से इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये सारा गोना फूल ने मारा है इसको। तो अभी थोड़ी देर में दोस्तों इसको कुछ आइज वाला कोई ड्रॉप शॉप डालते हैं, इसकी आंख अच्छी तरह धोते हैं, खोलते हैं। ये सारा हमारे गोना फूल का काम है दोस्तों। ये देखो इधर इसकी आँख ये ठीक है, इधर वाली ये देखिए आप बंद हुई पड़ी है। ये किसी मुर्गी ने नहीं मारा दोस्तों, ये गोना फूल ने मारा है। तो इधर बिठाते हैं वो ब्लैक वाली मुर्गी को दोस्तों। सजाद भाई ने उठा दिया कि कुछ खा पी ले। ये वाली मुर्गी हमने बिठानी है, ठीक है? और एक ये वाली कुड़क हुई है, इसको हम नहीं बिठाएंगे क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा है। तो ये ऊपर बैठ गई, सारे अंडे तोड़ देती है, तो इसको बिठाएंगे हम। उधर अंडे रख लें, तूड़ी रख लें, फिर मिलते हैं आपसे। सजाद भाई दोस्तों तूड़ी लेने गए हैं, अंडे मैंने अपने पास रख लिए हैं। तो इसको मैं खोल दूँ क्योंकि ऊपर से सफाई करनी है, तो सारी मट्टी इनके ऊपर आएगी, तो इनका दाना और पानी बाहर निकाल देते हैं। तुम आ जाओ भी जल्दी। इनकी आप ग्रोथ देखें माशाल्लाह दोस्तों कितनी अच्छी हो रही है। तो इनको मैं एक सिरप भी दे रहा हूँ, ताकत वाला जो फीड है ब्रीक फीड, वो आज ख़त्म हुई है। तो मैंने इनको दाने डाला हुआ है, मतलब अच्छी केयर कर रही है अपने बच्चों। ओए क्या कर रही हो? ये पानी आपको येलो येलो नज़र आ रहा है ना दोस्तों, इसकी हम अंदर ना हमने एक मल्टी विटामिन सिरप डाला हुआ है ताकत वाला, और एक बुखार नज़रने के लिए एक सिरप। वो भी मैं आपको एक लहदा वीडियो बना के बताऊंगा कि जो बच्चों की ग्रोथ के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह दोस्तों इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और कितने बड़े हैं। ब्लैक के साथ ही एक दो दिन का फ़र्क ही है, लेकिन वो मार रही है अपने बच्चों को। ये अच्छी केयर कर रही है और इनको मैं, और ये खाते पीते भी ठीक है माशाल्लाह, इसलिए ये काफ़ी हेल्दी और एक्टिव है। और सजाद भाई ने दोस्तों माशाल्लाह तोड़ी अच्छी तरह बिछा दी है जहाँ हमने अपनी पहली मुर्गी उठाई थी। सजाद भी बैठती तो वो उधर है, वो जहाँ वो मुर्गी है वो ना फटा हुआ, जाली फटी हुई है। ये सेफ है, ये सेफ है, बंद भी हो जाएगा, है ना? बंद भी हो जाएगा। वो हमारी जो बोरे है ना जो, हाँ वो मार भी बोरे। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा बेड बन गया हमारी मुर्गी के लिए। और हम बाइल पकड़ो, मैं अंडे गिन लूं दोस्तों कि हमारे पास अंडे कितने हैं। वो तसला ही दे दो मुझे इधर। दो चार छ आठ दस और दो बारह सोलह और दो
18 और 2 20 21 अंडों में बिठा दे। ये तीन तो वैसे भी मुझे शक्ल से अच्छे नहीं लग रहे। चलो यही ठीक है, ये रख दे तीन भी, ये भी रह दो, शायद निकली है। 2104 2103 24 अंडे हैं। 24 चलो ठीक है रख देते हैं। वैसे 21 अंडों में बिठाने चाहिए। ये ग्रीन ग्रीन है कुछ अंडे, ये 4-5 अंडे ना, ये ग्रीन अंडे हैं। ये हमारी व्हाइट जो है ना बकत उसके हैं। ये व्हाइट है और ये दोस्तों ग्रीन अंडे हैं। अजीब सी नस्ल की कोई मुर्गियां ना निकला है, ओल्डक्स ना निकला है। चले रख देते हैं, अल्लाह करे हम, मैं मुर्गी को बाहर से पकड़ के लेके आता हूँ। पहले अंडे रख ले या मुर्गी को लेके आऊँ? पहले अंडे रखो ना, बाद में मुर्गी आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब आप भी पढ़ लो और आप सबने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आप सबने दुआ भी करनी है कि डक्स के बच्चे भी निकल आए दोस्तों, क्योंकि मुर्गियों के तो माशाल्लाह दो मुर्गियों ने निकाले हुए हैं। वो वाले बच्चे भी आपको जाके दिखाते हैं, वो बाकी ठीक है। व्हाइट वाला तो उसने मार दिया, लेकिन जो 6 बच्चे है ना ब्लैक वाले वो ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे लगते हैं जो छोटे छोटे डक्स के बच्चे। 24 अंडे रख रहे हैं हम, क्योंकि जितने पड़े हुए थे ना सारे, जगह कम लग रही है दोस्तों, अंडे ज्यादा हो गए हैं। चलो आप दिखा देते हैं, ब्लैक भी आ गई होने सारे। किधर वो आज तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया। आज मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि पूरा हफ्ता हो गया दोस्तों इसको ना कुड़क पे आए हुए। वो ना उसको कुड़क खत्म हो जाए, दोबारा अंडा देने लग जाए, तो मैंने इसलिए बिठाई दिए कि डक्स के अंडे खराब ना हो जाए हमारे। चलो आज तुम तो चुप हो जाओ, जाओ 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 जाओ, तुम्हारे ही अंडे हैं, तुम्हारे ही अंडे हैं, जाओ बैठ जाओ। पहली दफ़ा बिठा रहे हैं दोस्तों इसको ना हम, इससे पहले पता नहीं कि जहाँ से ली थी उसने बच्चे निकाले हैं या नहीं। हमारे पास ये दोस्तों पहली दफ़ा ही है। चलो 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 चलो, ये क्या, बैठो ना, जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, जाओ। ये तुम्हारे अंडे हैं, बैठ जाओ वरना वो आके बैठ जाएगी। ये देखो ये कहानी आके बैठ जाएगी यार, इसकी तो आँख, इसकी आँख ठीक करते हैं, दो देते हैं। बैठ जाओ, क्या मसला है तुम्हें? इसने उधर ही बैठना है भाई, इसने इधर नहीं बैठना, वो तोड़ना देना भाई, ये नाजुक होते हैं। एक दफा ज्यादा भाई आप हट जाओ इधर से, हम इसे देखते हैं ना ये बैठती है नहीं, नहीं तो दोस्तों हमें जो इसकी जगह है ना ये वाला केज, ये टूटा हुआ है, हम इसको ना इसलिए नहीं इधर बिठा रहे। ये इसने इधर ही अंडे दिए हैं और ये इधर ही बैठेगी। तो अगर ये हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं मोबाइल बंद करके, वीडियो बंद करके, अगर ये बैठ गई तो ठीक, लेकिन ये नहीं बैठेगी। देख रहे हैं ना शिजा भाई आप, नहीं बैठेगी ना, तो फिर इधर ही रखे, शिफ्ट कर दे अंडे। तो चले दोस्तों हम अंडे उधर शिफ्ट करके आपसे मिलते हैं। सारे अंडे इधर से उठा लिए हैं क्योंकि इधर मुर्गी नहीं बैठी थी, तो शिजाद भाई ने अंडे दोस्तों माशाल्लाह इधर शिफ्ट कर दिए सारे, और मुर्गी फिलहाल इधर है क्योंकि इसको थोड़े से दाने डाले हुए हैं, ये थोड़ा सा खा पी ले। तो अभी इसको नीचे उतारते हैं, बिठा जा भी उठाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने प्यारे प्यारे हाथों से, बाद में खा लेना है इसको, कर नीचे रख देंगे। आ जाओ भैया, आ जाओ, तुम्हारी पसंद वाली जगह पे रख दी अंडे, जाओ अब तो बैठ जाओ, अब तो बैठ जाएगी ना। ओए देखो दोस्तों अब बैठ गई है, कितनी तेज होती हैं ये मुर्गियाँ, अंडे इतने ज्यादा रख दिए हैं, ये पूरी आ जाएगी, इतना तो इसका साइज है। वो देखो खुद ही एडजस्ट करेगी ना, कर खुद ही एडजस्ट करेगी वो, देखो ये कितने करने, मैं कह रहा हूँ थोड़े से उठा ले भाई, जो मुर्गियों के पड़े हुए हैं ना तकरीबन ना 3 अंडे उठा ले। 21 यार फर्क पड़ता है ना, 21 अंडे रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं। चलो ठीक है 3 उठा लो, 3 उठा लो ठीक है। वो एक तो वो वाला उठाओ ना जो आपको नहीं पसंद, नहीं नहीं ये वाला देखते हैं ना ग्रीन वालों में से क्या निकलता है, ये वाला, हाँ ये मुर्गी का लग रहा है मुझे, ये चलो 3 उठा लेते हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं। हाँ बस ठीक है, चलो अभी दोस्तों खुद ही सेट हो जाएगी। और इसका क्या करना है? इसका भी कर लेते हैं, इसका भी करते हैं जब ही बनना है तो मुर्गियाँ। माशाल्लाह दोस्तों हमारी मुर्गी बैठ गई है, अल्लाह करे अब ये बच्चे निकाल ले, देखिए अब कैसे सेट कर रही है। उधर तो इसका दिल ही नहीं लगा, इधर तो आगे इसने अपने अंडे भी सेट करना स्टार्ट कर दिए। इसकी एक जगह होती है, ये खुद की जगह बना लेती है ना। इधर वो मैं आपको कील ला के देता हूँ, वो इसे सेट कर दे, और इधर 2-3 ईंटें लगा देते हैं ठीक है। ये इधर ये कील लगा दिए दोस्तों, और इधर ये ईंटें लगा दिए, और इसको थोड़ा सा जुगाड़ लगा दिया है, और दरवाजा बंद होगा। और अब तुम अपने बच्चे निकाल लेना, देखो हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए क्या कुछ कर दिया ठीक है ना। अंडे भी रख दिए हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए, दीवार भी बना दी है, दाना और पानी भी रख दिया है, और अब अल्लाह हाफिज़ ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल बुखारी पेट हाउस को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआ कीजिएगा कि मुर्गी अच्छी तरह डक्स के अंडे को इनक्यूबेट करे और बच्चे निकाल ले। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इनको यार थोड़ी देर और खेलने दो जाद भाई, थोड़ी देर खेलने दो ना, चलो।
हमें दोस्तों शॉप पे जाना है ना, इसलिए हमें देर हो रही है, तो जल्दी जल्दी हम इन्हें बंद कर देते हैं।